जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि फाइनली एनटीए ने अपना ओएमआर सीट रिलीज कर दिया है बच्चों का, और साथ साथ में बच्चों ने जिस ओएमआर पे पेपर दिया था वो ओएमआर सीट उनके एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर के साथ, डेट ऑफ बर्थ के साथ, पासवर्ड के साथ रिलीज कर दिया है, साथ साथ में ऑफिशियल एंसर की भी रिलीज कर दिया है। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया होगा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। आपने चेक किया ही होगा और मैंने भी चेक किया है, और मुझे बताते हुए बड़ा मतलब प्राउड फील हो रहा है कि अभी तक मतलब जो मेरे पास है रिजल्ट, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हम कंपाइल भी कर रहे हैं, जो मेरे पास है उसमें 16 बच्चों के 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स आए, और ये हवा में बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास उनके ओएमआर सीट भी है, मैंने मिलाया वो ओएमआर सीट खुद, समझ रहे हैं आप, 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स आए, 16 बच्चों के 180 में से 180 नंबर आए हैं जो ओएमआर मेरे पास है, रखा हुआ है, मैंने खुद मिलाए हैं ओएमआर, और ये तो बस मेरे पास है जस्ट। अभी तो रिजल्ट फिजिक्स वाला की टीम पूरी कंपाइल कर रही है, उसमें अनगिनत बच्चों के आएंगे, अनगिनत बच्चों के आएंगे। और हाँ, मैं ओएमआर शेयर कर देता, लेकिन पिछली बार मैंने शेयर किया था जेई मेन का, तो कई बच्चों ने बोला कि सर ऐसे शेयर नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पज से होता है, मैं मिलवा दूंगा और कुछ उस पर डाल के मैं ओएमआर शेयर कर दूंगा, सारे ऑनलाइन, कोई ऑफलाइन नहीं बेटा, सारे ऑनलाइन पढ़े हैं, ठीक है, 1, 2, 4, 10, 20 सॉरी 20 तो है, से ज्यादा नहीं है, 1, 2, 4, 5 नहीं, पूरे 16 बच्चों के, वो सिर्फ मेरे पास ओएमआर पड़े हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, 180 नंबर ही नहीं होता है सब कुछ यार, मैं पेपर में खुद बैठता ना तो मेरे 180 नंबर नहीं आते, ईमानदारी से मैं बता रहा हूं कि मैंने खुद पेपर सॉल्व किया था, 1-2 सिली मिस्टेक्स मेरे से हो गए थे। बच्चे ज्यादा अच्छा करते हैं, उनका दिमाग ज्यादा तेज होता है, बस हमसे कंसेप्ट सीख लेते हैं और फिर जोरदार तरीके से पेपर सॉल्व करते हैं, कोई बात नहीं। और हम बात करें उससे कम मार्क्स, जैसे 175 एक गलत हो गया हो या एक अटेम्प्ट ही नहीं किया हो, 176, 160, 166, 160 से ऊपर तो 50 से ज्यादा मैसेज है जिसको मैंने वेरीफाई नहीं किया है, मैंने वेरीफाई नहीं किया है, 150, 160 से ज्यादा तो 50-100 मैसेज पड़े हैं जिसको मैंने वेरीफाई नहीं किया है। अब बात करते हैं कि टोटल मार्क्स, थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन है, 3 क्वेश्चन में अपने को चैलेंज करना है, वो सही होता है गलत होता है मुझे नहीं पता क्या होता है, उसमें से अगर 3 में से 1-2 भी सही हो जाते हैं तो लगभग लगभग 706 से 710 नंबर बन रहे हैं। और वो ऐसा बच्चा है जिससे मेरी बात हुई, उसने इतने शिद्दत से क्लास पढ़ा है ना कि उसको ये तक भी याद है कि कौन सी क्लास सबसे छोटी हुई थी, कौन सी क्लास पूरे साल भर में सबसे ज्यादा लंबी मैंने पढ़ाई, कौन से चैप्टर में कितने लेक्चर पढ़ाए। और कई बार क्या होता है कि मैं सवाल देके मैं बोलता हूँ कि जो इसको सॉल्व करेगा उसको 10 रुपये दूंगा और फिर वो लिख लो, उस बच्चे ने एक पेज में पूरा लिखा हुआ है कि सर इस लेक्चर में ये क्वेश्चन आपने बोला था और ये मैंने सॉल्व किया, ये मेरे 10 रुपये, ये मेरे 10 रुपये, ये मेरे 10 रुपये, उसने पूरा पेज पे लिखा हुआ है। तो देखो, चैलेंज पे डिपेंड करता है कि एनटीए क्या मानते हैं नहीं मानते हैं, नहीं तो सिंगल एंड डबल डिजिट रैंक ये ऑनलाइन के हिस्ट्री में मतलब बहुत रेयर, वो उसका पूरा, उसने पूरी तरीके से सिद्धत, मैंने उसे पूछा भाई तू ये बता झूठ मत बोल, कहीं तो ऑफलाइन जाता होगा, नहीं सर, कहीं तो ऑफलाइन पढ़ा होगा, नहीं सर, आप पूछ लो ना, हम कि तू देख वीडियो में तू मेरे साथ बोल रहा है, कल को ये कहीं जाएगा और तू पता चला कहीं ऑफलाइन पढ़ रहा होगा, नहीं सर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। और डिपेंड करता है कि अभी चैलेंज में क्या होता है नहीं होता है, देखते हैं, अगर एनटीए पे डिपेंड करता है 2-4 चीजें, अगर वो मान गया तो शायद सिंगल डिजिट नहीं तो डबल डिजिट रैंक तो है ही, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आया, तो चलिए
आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। इसी तरीके से मेहनत करिए। कुछ बच्चे लक्ष्य के हैं और कुछ बच्चे यकीन के भी हैं, ठीक है, बट ज्यादा अच्छा रिजल्ट लक्ष्य वालों का है। अब है तो यार मैं क्या करूं, है ज्यादा अच्छा रिजल्ट लक्ष्य वालों का है। यकीन वाले भी 180 आउट ऑफ 180 बहुत सारे ला रहे हैं, बट टोटल मार्क्स कैलकुलेट करें तो इनमें से टॉप के 3-4 बच्चे लक्ष्य के हैं, बाकी यकीन के भी बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, हम अगले नीट के लिए टारगेट करते हैं, मेहनत से फिर से पढ़ाई करते हैं। आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर करना है, उसको देखना है क्यों इतने मार्क्स आ रहे हैं, चाहे जितने भी आ रहे होंगे, और उसको हम आगे कैसे इंप्रूव करें इस पे भी हमें फोकस करना है, है ना। पूरा धुआं लगा के पढ़ाई करना है, नेक्स्ट टाइम यकीन आएगा, बिल्कुल आना भी चाहिए।